तो गाइज हम लोग घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पुल फंस चुकी है और इस पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। हम लोग सभी लोग जो है रुक चुके हैं, गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अभी देखते हैं कितना पानी है, इसके बाद फिर निकलेंगे। सबसे पहले ये जाएंगे, जाइए गाइज। आपको गुड न्यूज़ ये बता देते हैं कि हमारे बीनू जी का जो है ये आंगनबाड़ी है, इसमें ये ज्वाइन कर चुकी हैं और आज जो है 15 अगस्त था और फिलहाल पुत्र हमारी रो रही हैं, तो इनको हम जा रहे हैं पहुँचाने घर। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देख पा रहे हैं हम लोग रेडी हो चुके हैं, पुत्री हमारी बड़ी तिरंगा रखी हुई है, बीनू जी प्रतिमा रखी है, देख पा रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आप देख पा रहे हैं प्रतिमा रखी हुई है। और गाइज हम लोग जा रहे हैं इनके केंद्र, इनके केंद्र दोस्तों आपको ना पता होगा हमारे बीनू जी का जो है क्रमांक 4 में हमारे गाँव सिकरा में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बन चुकी हैं और ये मिठाई आप लोग को नहीं खिलाई है, क्यों जी? खिलाएंगे ना। तो गाइज बहुत बड़ी गुड न्यूज है सबको और आज चलते हैं वहीं तिरंगा फहराएंगे। हमारी पुत्री भी जा रही है, इसको अच्छे से रख लो बेटा, अच्छे से रख लीजिए। लेकिन गाइज एक समस्या है, मौसम देख पा रहे हैं बारिश हो रही है। तो गाइज पुत्र हमारी बाइक में बैठ चुकी हैं, सभी लोग रेडी हैं, बीनू भी हमारी पुत्री भी तिरंगा यहाँ रख लिए हैं। लेकिन गाइज एक समस्या है, देख पा रहे हैं बारिश हुई है, इस तरह पानी जो है आ रहा है, टाइम से छोड़ दिया है। पीछे देख पा रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, ये देख पा रहे हैं सभी जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पुल फंस चुकी है और इस पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। हम लोग सभी लोग जो है रुक चुके हैं, गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अभी देखते हैं कितना पानी है, इसके बाद फिर निकलेंगे। सबसे पहले ये जाएंगे, जाइए जी, ज़्यादा नहीं है गाइज, घुटना तक है। और देख पा रहे हैं पीछे से गुड़िया महारानी आ रही है, चलो जी। हेलो, चलो तुम भी पास हो जाओ। ये लोग फिलहाल जा रहे हैं, हाल चाल है बढ़िया, कहाँ जा रहे हैं? ओके गाइज देख पा रहे हैं गुड़िया और बीनू जी जा रही हैं और पानी ज़्यादा नहीं है। एक गाड़ी और जा रही देख पा रहे हैं, ये स्कूल वैन है, इको भीगना नहीं जी। फिलहाल चलते हैं, हम भी पार करते हैं। फिलहाल गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं केंद्र, देख पा रहे हैं बीनू और बुढ़िया आगे चली गई हैं और हमें जो है रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ से ऐसे होके जाना पड़ेगा चढ़ के। तो गाइज ये है बीनू जी का केंद्र और यहाँ से लोकेशन जो है बहुत ही प्यारा लगता है, चारों साइड आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह। ये धूप नहीं किया गाइज, 9:30 बज चुके हैं सुबह के और यहाँ पे एक आम का पेड़ है, देख पा रहे हैं। ये हम लोग केंद्र आए हैं, हाँ अंदर जाइए 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 जाइए, गिरना नहीं बेटा, अभी पुत्र हमारी गिर गई थी जगह। मौसम फिर से बन रहा है गाइज, बारिश होने का देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं गुड़िया निकाल रही है तिरंगा, डोरी डाल दी है इसमें, नहीं निकलेगा, ऊपर बांधना पड़ेगा ना, ऊपर बांधने का तो नहीं निकलेगा, सारी व्यवस्था बन चुका है। तो गाइज यहाँ पे चबूतरा नहीं है, तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे घास निकाल के और यहाँ पे झंडा हम लोग गाड़ेंगे। हमारा केंद्र नहीं बना है, जब बन जाएगा ना तो हम सब बनवा लेंगे। आप क्या कर रहे हैं बेटा वहाँ पे? मम्मा को चारा निकालने दो, यहाँ से आ जाओ इधर। तो घास देख पा रहे हैं निकाल चुके हैं और बांस नहीं था, तो देख पा रहे हैं इन लोगों से बांस मंगाए थे। ये एक लोग घास निकाल रहे हैं और जो भैया है तो झंडे के लिए वो कर रहे हैं। गाइस ये थोड़ा बड़ा है, दिख रहा है ऊपर पेड़ है, काटना पड़ेगा, इसलिए जो है कुल्हाड़ी मंगाए हैं और इसको काट देते हैं। ये इतना काट जाएगी, इतना चला जाएगा ना। हाँ हाँ, तो गाइस देख पा रहे हैं शब्बर मंगाए हैं और यहाँ पे खोदेंगे गड्ढा झंडा काटने के लिए। देख पा रहे हैं बीनू जी यहाँ चारा निकाल चुकी है, फिलहाल यहाँ पे खोदते हैं। ये बारिश हुई है तो देख पा रहे हैं मिट्टी पूरी गीली है, इसलिए जो है अच्छे से खुदाई हो नहीं पा रहा है। ये देख पा रहे हैं तिरंगा बांध रहे हैं फिलहाल अभी यहाँ पे, और तो गाइस पुत्री हमारी बहुत परेशान कर रही है, इनको नहीं लाना था ना बेटा। हाँ बेटा शुरू करिए। जय हे भारत भाग्य।
एक नारियल थोड़ा खराब निकल गया है। तो गाइस सारा कार्यक्रम हो चुका है, फिलहाल बुगू को छोड़ने जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत परेशान कर रही है। चलो मम्मा बाद में आएंगी। आपको गुड न्यूज़ ये बता देते हैं कि हमारे बीनू जी का जो है ये आंगनबाड़ी है, इसमें ये ज्वाइन कर चुकी हैं और आज जो है 15 अगस्त था और फिलहाल पुत्र हमारी रो रही हैं तो इनको हम जा रहे हैं पहुंचाने घर। देख रहे हैं यहाँ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली रोड जो है एंड हो जाती है, इस साइड पूरी बनी हुई है और इस साइड आप जो देख पा रहे हैं बिल्कुल नहीं बनी है। चलिए हम दिखाते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी तक जो है रोड ख़राब है। इस तरह रोड है, यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये बहुत खराब रोड है। पूरा गड्ढा है इधर, अगल बगल देख पा रहे हैं कुछ इस तरह रोड हुआ है, पता नहीं कब बना था, इतना गड्ढा यहाँ पे है, ये गड्ढा है, इस तरह खुदाया हुआ है पूरा, ये देख पा रहे हैं ऐसे रोड है, 4 इंच की पटरी से निकलना पड़ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर पुल दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पूरा गड्ढा है ये, और यहाँ पे गाड़ी निकालने का जो 4 व्हीलर अगर आ जाती है तो बिल्कुल नहीं निकल पाती है। इस साइड देख पा रहे हैं पूरा खोदा हुआ है, इधर भी और इस साइड भी। आगे दिखाते हैं आपको, सबसे ख़तरनाक रोड यहाँ पे है, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको ठहर चुके हैं हम यहाँ पे और दिखा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं इतना गड्ढा है यहाँ पे, यहाँ पे 1.5 मीटर होगा, यहाँ गाड़ी जब आती है तो देख पा रहे हैं टायर पिछला है तो इधर चली जाती है, एक बार ट्रैक्टर यहाँ पे फंस चुका था और यहाँ पे जब गाड़ी आती है तो इस साइड पूरा झुक जाती है इधर बचाने के चक्कर में। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, अभी तो इतने हैं, अभी बहुत दूर तक है, 2 किलोमीटर है, लंबा है ये। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं पुत्र को लेके, बहुत परेशान कर रही थी, एकदम रोने लगी थी, तो अभी लेके आ चुके हैं घर, छोड़ दिए हैं अंदर, फिलहाल चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, भूख लगी है।